राइट्स ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेली, अरे नालायक, मैं सही बोल रहा था, राइट्स ऑफ बेली पढ़ लिया क्या? मैंने बोला था कि ड्यूटीज ऑफ बेलर जो है वो किसके जैसी है, है ना, एक आध चीज होगी डिफरेंट, बाकी सब सेम है। तो थोड़ा सा वापस से एक बार याद कर लेते हैं, है ना, क्या था, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे अपन, बेलमेंट। बेलमेंट बोले तो गुड्स तो चले जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे के पास, लेकिन ओनरशिप नहीं जाती। क्लियर है? ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अपन ने देखा था कि किराए वाले होते हैं कि किसी को किराए से गुड्स चाहिए, और एक होते हैं कस्टडी वाले। जैसे फॉर एग्जांपल, बैंक में लॉकर में आपने गुड्स रखे, क्या वो बेलमेंट है? हो जाएगा, कस्टडी चार्जेस देते हो आप, क्योंकि आप रखवा रहे हो उसके पास, बैंक लॉकर फैसिलिटी दे रहा है, मतलब कि आप गुड्स रखवा करके जा रहे हो। वैसे अदरवाइज भी प्रूव हो सकता है कि आप यूज कर नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं किराए से थोड़ी दे रहा हूँ, वो तो किसके बेनिफिट के लिए। बैंक वाला जो बेलमेंट है वो किसके, अपने नहीं, बेलर या बेली, ठीक है, बैंक वाला जो है वो किसके फायदे के लिए, बेलर, लेकिन गाड़ी किराए से लो तो बेली के फायदे के लिए। आ रहा है समझ में? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये जरूरी है कि बेलर का फायदा है कि बेली का, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसे पॉइंट्स थे, अपन ने देखा था ग्रैचुशियस नॉन ग्रैचुशियस वगैरह में, जहां पर इस बात से फर्क पड़ता है। आ रहा है समझ में कि किसके फायदे के लिए है? समझ में आ रहा है? और यहां पर लीगल के पैरेलली आपका कॉमन सेंस भी चलना चाहिए, तो ही आप इसको डिकोड कर पाओगे। अगर सिर्फ लीगल करने की कोशिश करोगे तो गंदे फंस जाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें, मतलब आपका लॉजिक काम करता रहता है पैरेलली, लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ लीगल चलोगे तो इतनी सारी चीज़ें की याद नहीं कर सकते, फिर एग्जाम में जाकर के कॉमन सेंस से सोचेंगे तो वो गलत ही होगा। समझ में आ रहा है? या तो लॉ पूरा याद हो एकदम 100%, तो भी आप रिलेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में आएगी सिचुएशन जिसको डिकोड करोगे आप इमोशनली। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना लीगल एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे आप। आ रहा है समझ में? ठीक है, वो सिर्फ तब हो पाओगे जब 10-15 साल लगातार आप पढ़ लोगे, तो टॉपिक पढ़ते ही सिचुएशन से वो डिकोड हो जाएगा, मतलब आपको मानना पड़ेगी मेरी बात। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं क्या, ड्यूटीज ऑफ बेली, यही पढ़ना है अपने को, है ना, सेक्शन नंबर 151 से 157, और फिर 160, 161, 163 एंड 165, बहुत सारे। चलो, टेक रीजनेबल केयर, ज्यादातर चीजें आपको साइड रीडिंग से समझ में आ जाएंगी, फिर मेन एक्सप्लेनेशन में सिर्फ एक्स्ट्रा बातें जो है वो ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है? आपको अपना कंटेंट कम करते जाना है, बढ़ाना नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, जहां लॉ याद करने से ज्यादा सिंपल हो, मतलब कम हो, वहां लॉ याद कर लेना। आ रहा है समझ में? जहां सिचुएशन समझ करके अगर डिकोड होता हो तो वहां सिचुएशन कर लेना। आ रहा है समझ में? जहां भी चीजें एक्स्ट्रा फैलेंगी वहां ऐसा। क्लियर है? और लॉ आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर केसेस कौन से बनाने हैं, हाइपोथेटिकल नहीं, केसेस कौन से वाले प्रैक्टिस करने हैं आपको, जो आरटीपी में आए हैं, मॉक टेस्ट में आए, पिछले जितने भी हुए हैं या पास पेपर्स में आए। आ रहा है समझ में? सिर्फ उन सिचुएशंस की प्रैक्टिस करेंगे आप। आप हर सिचुएशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो बन जाएंगी बहुत सारी। आ रहा है समझ में? लेकिन पॉसिबल नहीं होगा, इतना कंटेंट हो जाएगा तो 8 सब्जेक्ट फिर मैनेज नहीं हो पाएंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, चलो। तो पहला है बेटा, ड्यूटीज ऑफ बेली में टेक रीजनेबल केयर। पहले आपको सोचना पड़ेगा, हु इज बेली? जिसके पास गुड्स हैं, ठीक है ना। हमारे पास दो चलते हैं, किराए वाला और एक कस्टडी वाला। नॉर्मली हम कौन सा सोचते हैं? किराए वाला। समझ में आ रहा है? मैं सेटअप कर रहा हूं ग्राउंड जिस बेस पे आप सोचने वाले हैं चीजें। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, तो हमारा जेनरिक कौन सा चलेगा? किराए वाला।
आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो कोई भी एक एग्जांपल आप दिमाग में ले सकते हैं, समझ में आ रहा है कि गाड़ी आप किराए से ले रहे हो, वट एवर, आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या ये? ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? टेक रीजनेबल केयर, द बेली मस्ट टेक सच केयर ऑफ गुड्स. जब आप ये पढ़ रहे हो, अगर इसके साथ में एक एग्जाम्पल पैरेलली आपके दिमाग में चलेगा तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी. आ रहा है समझ में? ठीक है ना, तो मैं अगर किसी से गाड़ी किराए से लेकर के आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि गाड़ी का थोड़ा ठीक ठाक मैं केयर करूँ. ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम रैंप के चला रहे हैं, सरकत दिखा रहे हैं कि देख चक्के घुमा के दिखाता हूँ. आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? एक चक्कर वाली गाड़ी की तरह नहीं चलाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है. कुछ लोग तो अपनी ही गाड़ी नहीं छोड़ते हैं, मतलब है ना. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है. ठीक है, हाँ ठीक है. द बेली मस्ट टेक सच गुड केयर एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. एक आम समझदार व्यक्ति, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस अपन किसको बोलेंगे? एक आम समझदार व्यक्ति जिस तरीके से अपने गुड्स का ध्यान रखता है, उसी तरीके से ये बेली, जिसके हैं नहीं गुड्स लेकिन जिसके पास हैं, ये क्या करेगा? उन गुड्स का ख्याल रखेगा. कोई दिक्कत है इस बात में? आ रहा है समझ में? लॉजिकल भी है, लीगल भी है. उन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे अपन जो लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं है. आ रहा है समझ में? क्योंकि वो चीज़ें आप भूल जाएंगे, तो जब कल को आप केस सॉल्व कर रहे होंगे तो वो सारी चीज़ें आपको दुख दे सकती हैं, वो गलत हो जाती हैं. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, तो द बेली शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स इफ ही हैज टेकन, है ना. बहुत ऑब्वियस ही बात है, क्या हो रहा है? अगर उसने ध्यान से रखे गुड्स, तब भी कुछ हो गया तो लॉस की जिम्मेदारी उसकी नहीं है. आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना, एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स. सोच करके देखो, ये लॉस डिस्ट्रक्शन क्या उसके कारण हुआ है? नहीं, समझ में आ रहा है? भगवान के कारण हुआ होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब तुम किसी का कुत्ता लेकर के आए खेलने के लिए कि भैया है ना एक दिन के लिए हमको बहुत क्यूट है, समझ में आ रहा है? फिर कुत्ते को हार्ट अटैक आ गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं. आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? अनटिल अनलेस तुमने दरवाजे के पीछे आके उसको भों कर दिया, क्योंकि फिर तुमने गुड रीजनेबल केयर नहीं करी. अरे सर, सबूत होना चाहिए लेकिन इस बात का. खैर, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स. समझ में रहे? तुम लेके आए किसी का कुत्ता किराए से, समझ में रहे? फिर पता चला तुम्हारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तुम गधा मजदूरी करा रहे थे उसको कि जा हीटर पकड़ के ला. आ रहा है समझ? ठीक है ना, तो दैट इज इनकंसिस्टेंट यूज. आ रहा है समझ में? ठीक है, जिस यूज के लिए गुड्स बने उसी के लिए यूज करो. आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है? तुम किसी को यार एक सेकंड पेन देना, समझ में आ रहा? तुम कान को जाने लगो. आ रहा है समझ में? दिस इज इनकंसिस्टेंट यूज. आ रहा है समझ में? तो बेली की ड्यूटी है कि इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स ना. समझ में आ रहेगा? क्लियर है? ठीक है, समझ गए ना, अब याद रहेगा ये. ठीक है, बेली मस्ट नॉट मेक एनी इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स. ठीक है, इफ द बेली मेक्स एनी इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स देन The bailment becomes voidable at the option of the bailer. Clear है? सिंपल बात है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? ठीक है, अब बेली शैल बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज इवन इफ द लॉस इज कॉज ड्यू टू एन एक्ट ऑफ सॉरी इफ द बेली मेक्स एनी इनकंसिस्टेंट यूज देन द बेलमेंट बिकम्स वॉइडेबल and the bailee shall be liable for any loss or damage even if the loss is caused due to an act of God or other unavoidable reason. सोच करके देखो, है ना, तो बहुत बारीक बारीक facts से आपकी situation में change से operation बदल जाएगा. आ रहा है समझ में? क्या हो रहा है अगर, क्या हो रहा है अगर इनकंसिस्टेंट यूज है? मतलब अगर नॉर्मली आप गुड्स किराए से लेकर के आए, एक्ट ऑफ गॉड के कारण गुड्स खराब हो गए तो जिम्मेदारी किसकी? बेलर की. आ रहा है समझ में? उसका नुकसान कौन उठाएगा? बेलर. अच्छा, जब आप इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है, ये बात लॉजिकल से थोड़ी अलग जा सकती है, कुछ लोगों का लॉजिक इसमें अलग चलेगा, इसलिए वो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना. ठीक है ना, जब आप इनकंसिस्टेंट यूज कर रहे हो, समझ में आ रहा है, तो आप गलत कर रहे हो, तो एक्ट ऑफ गॉड के कारण अगर गुड्स का नुकसान हुआ उसकी भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है. समझ में आ रहा है? अब लॉजिक यहां पर क्या बोलेगा उस व्यक्ति का जो गलत कर रहा था? कह रहा मेरे गलत करने के कारण अगर कुछ नुकसान हुआ होता तो बताओ.
पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, मतलब मैं कुत्ते से गधा मजदूरी करा रहा था, आ रहा है समझ में? अब क्या हुआ, भूकंप आ गया और उसके ऊपर रॉड रॉड गिर गई, समझ में आ रहा है? ठीक है, अंधा हो गया कुत्ता, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब समझना, ठीक है, अब ठीक है, वो बोले अरे तुम इससे गधा मजदूरी कर रहा थे, बोले इस कारण से थोड़ी अंधा हुआ, वो तो भूकंप से हुआ ना। दोनों के लॉजिक सही है, कानून यहां किसका साथ दे रहा है? जो सही था, मतलब जहां पर पॉइंट समझो उसके इनकंसिस्टेंट यूज के कारण कुछ गड़बड़ हुई गुड्स में, सिर्फ तब बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा था तो अब हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया बेली। हर चीज मतलब कि अगर कुछ अलग से नुकसान हुआ गुड्स का तो भी कौन भरेगा? बेली। तुम्हें पॉइंट समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इस बात पर केस लड़ा जा सकता है, लेकिन कानून में तो यही स्थिति लिखी हुई है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, आपको या तो एज इट इज कोई एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, या वही जो मैंने एरिया आपको बताए आरटीपी एमटीपी मॉक टेस्ट वो मॉड्यूल और पास पेपर्स। ठीक है ना, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस है सबकी, समझ में आ रहा है? मॉड्यूल की जनरली थोड़ी ज्यादा रहती है, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, ठीक है ना। चलो इलस्ट्रेशन, ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी ड्राइव द हॉर्स इन हिज कैब, बोला था ना उसको घोड़ा चलाने दिया, उसने तांगा ही बना लिया उसका, आ रहा है समझ में? एज पर 153 बेलमेंट इज वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए। क्लियर है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? चलो सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, ए लेंस अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, बी अलाउज सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स। सी ने ध्यान से चलाया पर घोड़ा धोखे से गिर गया और उसको चोट लग गई, बताओ क्या बी लायबल है? क्योंकि भाई कंडीशन तो तुमने इनकंसिस्टेंट यूज की है ना, समझ में आ रहा है? कितना ही ध्यान से चला रहा हूँ उसे, आ रहा है सुन? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम ही चलाओगे, किसी को दोगे नहीं तो फिर क्यों? समझ आया? सी थर्ड, मतलब ए ने घोड़ा हायर किया कलकत्ता में बी से बनारस तक मार्च के लिए, बहुत पुराना ही एग्जाम्पल होगा ये, ए ने ध्यान से चलाया पर कटक ले गया उसको, अब घोड़ा धोखे से फिर गिर गया, क्या ये लायबल है? हाँ, पॉइंट समझे? क्लियर है क्या? ठीक है, तो पहला क्या था, ध्यान रखो गुड्स का, दूसरा जिस काम के लिए लिए वही काम करो, ठीक है, फिर मिक्स मत करो गुड्स को। अब मिक्स कुत्ते वाला एग्जाम्पल नहीं चल पाएगा, किसी ने अगर वो वाला एग्जाम्पल देखा होगा वो 101 101 कुत्ते एक से देखते हैं ऐसा वाला था, छोड़ो यार अंग्रेजी पिक्चर है बहुत पुरानी, समझ में आ रहा है? हम लोग के बचपन की है, ठीक है, बचपन की मतलब, ठीक है, नॉट टू मिक्स गुड्स मतलब कि भाई आप किसी गुड्स लाए हो सिमिलर गुड्स के साथ मिक्स कर दोगे तो फिर वापस करना मुश्किल हो जाएगा, आ रहा है समझ में? अगर आपने ऐसा किया आ रहा है समझ में, तो क्या होगा? क्लियर है? सबसे पहला तो कि अगर गुड्स किसकी कंसेंट से मिक्स किए हैं, बेलर, तो फिर तो पूछ लिया था, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द मिक्सचर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं पड़ोसी से चावल लेके आया 5 किलो, समझ में आ रहा है, और मेरे बर्तन में उसमें मिला लिया, तो अगर वो वापस देना है उसको, समझ में आ रहा है, उधार लाया था मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसी में से निकाल करके, वो मिक्स हो गए तो मैं उसमें से निकाल करके दे सकता हूँ। ब्रांड अलग अलग नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अभी हम क्या चीज़ सेटरिस पेरिबस क्या मान के चल रहे हैं? कि एग्जैक्टली सेम है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? पहले तुम काली मूछ लाए बासमती में मिला दिया, आ रहा है समझ में? काली मूछ एक चावल का ब्रांड है, चलो गुड, ठीक है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला शादी के बाद चलो ठीक है, फिर क्या है? ठीक है, गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट, क्लियर है, बट द गुड्स आर सेपरेबल, अलग हो सकते हैं वो, अरे समझ में? ठीक है ना, अब जैसे चावल मिला दिए
तब कैसे अलग करोगे, समझ में नाम थोड़ी लिखवा के लाया था वो, ठीक है। तो अगर बेलर के कंसेंट के बिना और सेपरेबल हैं तो सेपरेशन का खर्चा कौन उठाएगा? बेली बहुत ऑब्वियस चल रहा है यहाँ पर, आ रहा है समझ में? तो जो चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं उनको आप बहुत आसानी से डिकोड कर पाओगे, क्लियर है। द बेली शैल बी लाइबल टू पे डैमेजेस टू द बेलर फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू हिम, कोई दिक्कत, क्लियर। हाँ, पहले वाले में, पहले वाले में सेपरेशन के कोई चार्जेस थोड़ी, अबे कर ही नहीं रहे, प्रोपोर्शनेट मिक्सर वाला पॉइंट है नालायक। हाँ, क्लियर है क्या? ठीक है, फिर गुड्स आर मिक्स्ड विदाउट बेलर्स कंसेंट एंड द गुड्स आर नॉट सेपरेबल, बिना पूछे कर लिए और अब सेपरेबल नहीं है, अब क्या होगा? तो अब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेगा कौन? बेली, क्योंकि उसने बेलर से पूछा नहीं था, क्लियर है। ठीक है, इलस्ट्रेशन, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, क्लियर है, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन, ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क विथ पर्टिकुलर मार्क टू बी, ठीक है ना। बी ने ए से बिना पूछे वो 100 बेल्स खुद के उसने बेल से मिला लिया, बेरिंग अ डिफरेंट मार्क, अब क्या होगा? वो 100 वापस करेगा, सेपरेट करने के जो भी खर्चे हैं वो कौन देगा? बेली, क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया पहला वाला एग्जांपल। दूसरा देखो, ए बेल्स द बैरल ऑफ के फ्लोर, ठीक है, वर्थ ₹45 टू बी, बी विदाउट एज कंसेंट मिक्सेस द फ्लोर, अब ये आटा मिक्स कर लिया उनने, तो कर लिया अलग उसको, आ रहा है समझ में? तो बस वो नुकसान की भरपाई करेगा, कोई दिक्कत है इसमें? क्या पढ़ रहे हैं अपन? किसकी ड्यूट? मैं, मेरे को पता पहले लगता था जानबूझ के करता है तू, पता है ऐसा, गुस्सा आती थी ना, ठीक है, मैं भी नहीं आती गुस्सा, ठीक है ना, चलो ठीक है। फिर क्या है? रिटर्न द गुड्स, किसके ड्यूटीज पढ़ रहे हो पहले? बेली, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो टेक रीजनेबल केयर नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज, फिर क्या है? नॉट टू मिक्स गुड्स, रिटर्न द गुड्स अंटिल अनलेस कि बेलर ने बोला है डिस्पोज ऑफ कर देना, याद है क्या ये वाला पॉइंट? क्लियर है कि बेलर ऐसा भी बोल सकता है कि क्या कर देना यूज के बाद? डिस्पोज ऑफ, नहीं तो 99% क्या होगा? गुड्स यूज करने के बाद या तो फिर कस्टडी के बाद वापस आ जाएंगे किसके पास? आ रहा है समझने? तो ये ड्यूटी है और ये राइट हो जाएगा किसका? बेलर, मतलब राइट बेलर का हो जाएगा ना, ये बेली की ड्यूटी है, क्लियर है, ठीक है ना। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड फ्रॉम बेलर, आया समझने? कि तुमने कुछ वापस ही नहीं करे किसी के ले गए तो बोले अरे तुमने मांगे ही नहीं, आ रहा है समझ में? तो ये बहुत गंदा लगता है सुनने में, है ना, समझ में आ रहा है? एक तो कुछ ले गए ऊपर से फिर हम ही मांगे आए, है ना। चलो, इफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अकम्प्लिश्ड, क्लियर है, बहुत सिंपल है, या तो टाइम पीरियड होगा या तो पर्पस होगा, क्लियर, क्लियर है। इन केस देर आर टू और मोर जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स, अच्छा अपन पड़ोसी के शक्कर लेने जाते हैं, बताओ क्या वो बेलमेंट है? क्यों वापस करोगे क्या? ऐसा कुछ है क्या? वो दान है, वो चैरिटी है, लेकिन वही सेम, तो फिर बेलमेंट में तो वही गुड्स तुमको वापस करने होते हैं ना, ये तो दान होता है, अंटिल अनलेस उसी से तुम चाय बना के पिला रहे हो, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, चलो ठीक है, ठीक है, गुड गुड, ठीक है, सुनो, ठीक है, रिटर्न द गुड्स, चलो, तो बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड फ्रॉम द बेलर इफ द टाइम एक्सपायर्ड और द पर्पस अकम्प्लिश्ड, क्लियर है। आप इसके नोट्स ऐसे ही बनाएंगे, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, कि आम भाषा में बना लोगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आ रहा है?
कि बेली टू रिटर्न गुड्स आफ्टर पर्पस अकम्प्लिशमेंट और टाइम टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम या आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। बस इसमें क्या होगा कि शब्द कम आ जाएंगे। देखो मेरी बात, फिर एक ज्ञान की बात आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें मेरी मान लेना, बस मैं बताता हर बैच में हूँ, मानते बहुत कम लोग हैं समझना, लेकिन जितने मान लेते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, वो बताते हैं आकर के बाद में मुझे कि भाई आपकी वाली बात काम में आई। नोट्स ज़रूर बना लेना क्योंकि अभी ही मौका है, एक बार क्वेश्चन आंसर में फिर आओगे तो फिर नहीं बना पाओगे। आ रहा है समझ में। नोट्स बनाने का क्या पर्पस होता है? सबसे पहले नोट्स बनाने का पहला पर्पस होता है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा होता है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तीसरा पर्पस होता है सेम कंटेंट को कम शब्दों में कवर कर लेना। समझ में आ रहा है। हो सकता है नोट्स बनाते समय आप ऑलमोस्ट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, समझ में आ रहा है। दो तरीके से आपका टाइम बचता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक आपका कंटेंट कॉम्प्लेक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी हर पर्सनल इंडिविजुअल की अलग अलग है कि आपको वो पर्टिकुलर कंटेंट कितना आपने डिकोड कर लिया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। आप अगर उसको फ्रेश डिकोड करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारी है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ टॉपिक कौन सा चल रहा है कि नोट्स बनाने का क्या पर्पस है, नोट्स बनाने का क्या फायदा है, कैसे आप नोट्स बनाने का फायदा उठाएंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो मेन पर्पस मैं इसका एक पर्टिकुलर पर्पस कवर कर रहा हूँ वो है नोट्स बनाना है हमको टाइम बचाने के लिए। ये सेम कंटेंट आपको इस बुक से नहीं पढ़ना है, उसको आपको किससे पढ़ना है, आपके नोट्स से, समझ में आ रहा है। और आप अगर एक शब्द भी बचा पाएंगे ना तो बहुत फायदा है, आ रहा है समझ में, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को आप इसमें एक रैंडम बता रहा हूँ, अगर इसमें मान लो कि 150 शब्द हैं, आ रहा है समझ में, और इसको अगर आप 100 शब्द या 125 शब्दों में भी कर पाओगे, अपने नोट्स बना पाओगे, समझ में आ रहा है, तो हो सकता है आपको उसका रेलेवेंस समझ में ना आए, आ रहा है समझ में, क्योंकि ये सिर्फ एक पैराग्राफ है। आपको ऐसे कितने पैराग्राफ पढ़ने और आपके ऐसे कितने सब्जेक्ट्स हैं, समझ में आ रहा है। अगर आप उसको टोटैलिटी में निकालोगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि आप, हो सकता है कि हर 20 घंटे में से, या मैं बहुत एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ कि हर 20 घंटे में से एक घंटा बचा पाएंगे, आ रहा है समझ में। तो अगर आप ये एक घंटा बचा पा रहे हैं, समझ में आ रहा है, आपका जो टाइम है ना वो सेम नहीं है, समझना, आपके अभी के 24 घंटे और आपके एग्ज़ाम के 24 घंटे। अच्छा, पहले मेरी बातें शायद उतना मैटर नहीं करती होंगी, अब आपको ये बात समझ में आएगी क्योंकि आप अपने पिछले एक्सपीरियंस से नोटिस करना, समझना रहा है, ठीक है। आपके अप्रैल मई के मंथ का एक घंटा और आपके एग्ज़ाम के एक महीने पहले का एक घंटा, समझना रहा है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, समझना रहा है। तो ये अभी के 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा करके अगर आपने एग्ज़ाम के टाइम का एक घंटा भी बचा लिया, समझना रहा है, तो ज़बरदस्त आपको उसका आउटपुट मिलेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे रैंक होल्डर्स के ब्लॉग्स और वो सब पढ़े हुए, उस बेसिस पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम बहुत सेव होता है। आपको लगता ज़रूर है कि कितना बचा लिया मैंने टाइम इसमें, आ रहा है समझ में, लेकिन वो टोटैलिटी में जब टाइम बचता है, दूसरा जब आप लिख रहे होते हो, जब उसको पढ़ रहे होते हो, जब उसको नोट फॉर्म में कन्वर्ट करने करते हो, ये सब रिविजन का पार्ट है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। आपको लगता है एक बार नोट्स बनाने में एक बार रिवीजन हुआ, इतनी देर में तो 5 बार पढ़ लेते हैं, आपने उसको 7 बार पढ़ने के बराबर कर लिया है अगर आपने उसको लिख लिया है तो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो कम शब्दों में, जैसे ये जो एक्स्ट्रा द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड, द टाइम हैज एक्सपायर्ड, अगर इतने में आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत बचा लिया आपने, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ोगे, समझ में आ रहा है, आप इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास सीधा एग्जाम है, मेरा कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए मैंने इसकी जो रिसर्च की हुई है मैं आपको पूरा उसका आउटपुट दे रहा हूँ, आपको बस माननी है या तो अनुभव करके देख लेना, अरे समझ कर पाओ तो बहुत डिटेल एनालिसिस लगेगी, रिसर्च लगेगी, लेकिन आप लॉजिकली सोचोगे तो समझ पाओगे। जब आप एक घंटा लगा करके जितना कंटेंट इसका पढ़ोगे और एक घंटा लगा करके उसका कंटेंट पढ़ोगे तो आप ज़्यादा पढ़ लोगे, और अगर आप उसको एक दिन में 1.25 गुना भी पढ़ पाते हो तो आप उसको इमेजिन करो कि एग्ज़ाम टाइम में ये चीज़ आपको कितना आपका टाइम सेव कर देगी। अभी से पूरी प्रिपरेशन नवंबर की कर लेना, मेरी बहुत ज़्यादा ही आशाएं हैं आप लोगों से, आ रहा है समझना, ठीक है। इसलिए मैं कोई स्कोप नहीं छोड़ना चाहता,
हर दिन कुछ कुछ बातें मैं बताऊंगा, समझ आ रहा है? ये बात शायद मैं एग्जाम के टाइम में कवर भी ना कर पाऊँ, समझ आ रहा है? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है? ऐसे याद आई अभी तो मैंने बता दिया तुमको वापस, क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि बाकी नोट्स में तो एक मैंने बताया था, एक तो टाइम सेव का, एक होता है सिंप्लीफिकेशन। जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तब आपके मान लो इसमें 10 शब्द है और आपने उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है 15 शब्दों में, तो भी वो आपका टाइम बचा सकता है, क्योंकि आपको जितना टाइम इसको डिकोड करने में लगेगा इन 10 शब्दों को, उससे कम समय में आप उन 15 शब्दों को पढ़ करके आगे बढ़ जाओगे। इसलिए इंटेलिजेंस रखनी बहुत जरूरी है जब आप नोट्स बना रहे हो। कई बार जितना कंटेंट है उससे ज्यादा लिखना पड़ सकता है, फिर भी वो टाइम सेविंग है। आ रहा है समझ में? पूरा पढ़ के समझने में जितना टाइम लगता है उससे कम टाइम आपको सिंपल लैंग्वेज में लग सकता है। आ रहा है समझ में? तो दोनों एक साथ करने की कोशिश करना, नहीं हो पाए तो चिंता मत करना, आपका टाइम फिर भी सेव हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप वर्ड एक्सीड कर जाओगे फिर भी आपका टाइम बच जाएगा, समझ लेना इस बात को। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अगर सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आ सकते हो तो और बेस्ट है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आंसर में बस एक दिक्कत होती है कि आप वो जो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज है ना उसको कवर नहीं कर पाते, क्योंकि एक क्वेश्चन एक सिचुएशन को कवर करता है। कानून जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत सारी सिचुएशन को कवर कर देगा, लेकिन इसका कुछ है नहीं, बहुत वेरिएबल है। समझ आ रहा है? इसका कुछ एक सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन है नहीं। समझ आ रहा है? ठीक है ना? कि कौन सी सिचुएशन आएगी, किससे आपको याद रह जाए, नहीं है। तो अभी क्या होता है, देखो शुरू में मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि शुरू में लोग नोट्स बनाते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिसमें मैं बोलूँगा तुमको कि छोड़ दो हम नोट्स, अब आ जाओ किस पे, क्वेश्चन आंसर पे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो शुरू का ही टाइम होता है जिसमें नोट्स बना सकते हो, फिर बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने टफ टॉपिक हैं उनके नोट्स ज़रूर बना लेना। मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स के नोट्स बना रखे हैं, समझ में आ रहा है? बनवाए भी हैं, क्लियर है? ठीक है ना? तो वो आप लोगों को एज इट इज़ मिल जाएंगे, आप उसमें अमेंड कर सकते हैं या आप उसको एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं, क्लियर है? या थर्ड, आप अपने खुद के भी बना सकते हैं, बनाने समय जो टाइम आपका लगेगा वो वेस्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन ये सारा काम आपका चलेगा पहले 6 महीने। समझ में आ रहा है? क्योंकि फिर आपको सिर्फ पढ़ना लिखना है। समझ आ रहा है? नोट्स उसके बाद नहीं बना पाएंगे। समझ आ रहा है? उसके बाद सीधे आपको किस पे स्विच होना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर पे। देखो मैं सच बता रहा हूँ, एंड में आकर के ना सब आरटीपी और एमटीपी और फिर थोड़ा बहुत रिविजनरी और वही सब कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? मेरा पॉइंट है कि जब उतना ही पढ़ना है, जब इतना डिटेल में नहीं करना है, समझ आ रहा है, तो शुरू से उसकी प्रिपरेशन करते चलो। अरे सुन, एंड में सच बता रहा हूँ, एग्जाम जब पास आएगा ना लगेगा कि यार ये आरटीपी बस कंप्लीट हो जाए, इसको एक बार पास रीड कर लिया जाए, क्वेश्चन आंसर तो छोड़ दो। समझ आ रहा है? तो मेरा ये है कि जब शुरू में तुम पढ़ते हो ना ऐसा लगता है 100% कवर, एक वर्ड ना छूटे, एंड में आकर के तुम पन्ने छोड़ रहे हो, चैप्टर छोड़ रहे हो। अरे समझ, ठीक है, एक वर्ड नहीं छूट रहा था। अभी ये खसी मेरे को लगता है कि एक्सपीरियंस की है। अरे समझ, ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है। अरे समझ, मेरा पॉइंट ये है कि रीजनेबल चलो, उतना मरो मत एक एक शब्द पे, वैसे भी मैटर नहीं करेंगे ये बातें उतनी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो लास्ट वो 3 घंटे जो तुम्हारे एग्जाम के रहेंगे, क्लियर है? ठीक है ना? मैंने बोला ना तुमको ओवरऑल मैनेजमेंट जो है वो रैंक दिलाएगा या पास कराएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, सिर्फ कंटेंट रीडिंग से कहीं जाओगे। चलो वापस करना पड़ते हैं गुड्स। आ रहा है समझ, क्लियर है? यूज के बाद, ठीक है। तो इन केस देर आर 2 or more जॉइंट ओनर्स ऑफ द गुड्स, तो द बेली में डिलीवर देम बैक टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ 1 joint owner विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। क्या मतलब है? किसी एक को भी वापस कर दे तो चल जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं दोनों को साथ में करना तो नहीं कर पाओगे। वेरी गुड। इफ द गुड्स आर नॉट सो रिटर्न, तो गुड्स किसके रिस्क पे होंगे? बेली के। फिर वो वाला लॉस भी बेली को उठाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का है ना, एक्ट ऑफ गॉड वाला है। द बेली शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज इवन इफ सच लॉस इज कॉज्ड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द बेली और ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड और अदर अनअवॉइडेबल रीजंस। क्लियर है? रिटर्न एक्विजिशन ऑफ गुड्स। समझ में आ रहा है? गैया लेकर के आए, उसने बछड़ा दे दिया, तो बछड़ा भी वापस होगा। अक्रीशन, मुर्गी लेके आया, मुर्गी ने अंडा दे दिया, तो मुर्गी अंडे समेत वापस करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अंडा मेरे यहाँ दिया तो अंडा मेरा, मुर्गी तुम्हारी। नहीं समझे क्या?
ठीक है ना। हेलो, अक्रीशन मतलब एडिशन, आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो द बेली मस्ट रिटर्न टू द बेलर एनी एक्रीशन, एक्रीशन मतलब एडिशन, कुछ कमा लिया उसने अमाउंट ने, मतलब तुमने, मतलब जैसे, खैर पैसे तो नहीं होते हैं उसमें, मनी इज़ नॉट गुड, लेकिन एक एग्जांपल अगर मैं मनी कर लूँ, तुमने मनी लिया और वो अपने सेविंग में रखा, उसमें कुछ इंटरेस्ट आया, तो वो इंटरेस्ट भी सामने वाले का कहलाया। ये नहीं है एग्जाम्पल सही, लेकिन अक्रीशन के लिए बोल रहा हूँ, बस पॉइंट समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है। एडिश लो, यही कैया वाला, ये समझ आ रहा है? मेरे को लगा था मन से सोचा है, लेकिन ये मैं पढ़ चुका हूँ ना, तो ये बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं कहीं ना कहीं, आ रहा है समझ में? ठीक है। नहीं तो नॉर्मली मैं मुर्गी के अंडे वाले ही देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, आ रहा है समझ में? काफ मतलब बछड़ा। ठीक है, क्लियर है? उनका डाउट हो सकता है ना किसी। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, तुमने किसी को चरा किराए से दी चीज़, अब तुम जब वापस मांगने गए तो कह रहा कि तुम्हारा है क्या? क्या था अरे समझ, एडवर्स टाइटल तुम ही ना सेटअप करने लग जाओ। द बेली हैज नो राइट टू एलेज, एलेज यानी दावा करना, समझ आ रहा है? आप ऐसा दावा नहीं कर सकते कि बेलर के पास, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं कि तुम किराए से दो कुछ, समझ आ रहा है? ये सब हरकत नहीं, आ रहा है समझ में? रीड कर लो।